हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सहजन यानी कि ड्रमस्टिक की एक बहुत ही अनकमन रेसिपी। ये ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी है, हम लोग घर पे इसको बहुत खाते हैं। अभी इसका ही सीजन चल रहा है तो मार्केट में आपको ड्रमस्टिक बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ट्राई करना है बिल्कुल स्टीम राइस के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे साथ और भी अटैच रहने के लिए आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की ओर। रेसिपी के लिए मैंने ले लिया 250 ग्राम की करीब ड्रमस्टिक। मैं इसका जो रेशे है वो निकल के रखी हूँ। और मैंने ले लिया एक बड़े साइज का आलू, इसको भी मैंने ऐसे लंबे शेप में कट करके रखी हूँ। सूखे मसाले में चाहिए नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून करके। मसाला पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया 6 से 7 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब खसखस और एक बड़े चम्मच मस्टर्ड सीड्स, और चाहिए एक बड़ा सा टमाटर ऐसे कटा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने फ्राइंग पैन बिठा दिया और इसमें मैं दे रही हूँ 2 कप के करीब पानी। पानी इतना देना है ताकि ड्रमस्टिक और जो आलू है वो डूबे रहे। तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और मैंने 1/8 स्पून नमक डाल रही हूँ ताकि ये जो सहजन है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाए। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। जैसे ही पानी में उबल आ जाएगा तो हम 1-2 सहजन को लेके थोड़ा सा चेक कर लेंगे ये बॉयल हुआ या नहीं। दोस्तों, इसको फुल्ली बॉयल नहीं करना है, आपको 80% तक इसको बॉयल करना है। तो आलू और सहजन दोनों ही बॉयल हो चुका है तो मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको गर्म पानी से निकल के आपको रखना है, वरना ये फुल्ली कुक्ड हो जाएगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सब सहजन को ऐसे एक प्लेट में निकाल लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने फ्राइंग पैन बहुत अच्छे से गर्म कर लिया हाई फ्लेम में। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। कोई भी सरसों का रेसिपी आप बना रहा है तो इसमें सरसों का तेल ही आप यूज़ करें। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी। कलौंजी जैसे ही हल्का सा चटकने लगेगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। तो टमाटर को दोस्तों मैं 3 से 4 मिनट के लिए सौते करूंगी। जैसे टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पहले से बॉईल किया हुआ सहजन और आलू। तो ये जो टमाटर है वो सॉफ्ट होने लगा, मैंने ऐड कर दिया ड्रमस्टिक्स और आलू। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिलाऊँगी। फ्लेम को मीडियम पर रखना है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे सूखे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। तो ये जो टमाटर है इसको भी थोड़ा सा क्रश करना है। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी या तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और थिकनेस आता है। तो मैंने चेक करने के लिए कवर हटा दिया 3 से 4 मिनट बाद। देखिए, ये जो मसाला है वो सारे अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और सब चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो दोस्तों, और एक बार मैं इसको कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए ताकि आलू जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। इसके बाद मैं दे रही हूँ पहले से बनाया हुआ पेस्ट। इस पेस्ट में है खसखस, सरसों का दाना और हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी। तो मैं जब पेस्ट डाल रही हूँ रेसिपी में तो थोड़ा सा पानी इसमें भी ऐड करना है। आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इधर 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। जैसे ही मैंने ये मिला दिया तब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा शक्कर। शक्कर इसलिए ऐड करना है ताकि ये जो सरसों का रेसिपी होता है ना, ये कभी कभी बहुत कड़वा होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शक्कर और 2 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया। हरी मिर्च ऑप्शनल है। तो मैंने फिर से इसको 3 मिनट के लिए कवर कर दिया मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए, 3 मिनट बाद ये हल्का सा तेल भी छोड़ने लगा है। तो ये जो ड्रमस्टिक का करी है ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी और उससे पहले और एक काम करना है। मैंने इसके ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी मस्टर्ड ऑयल। ये देने से ग्रेवी बहुत स्मूथ होता है और खाने में टेस्ट दुगना आ जाता है।
तो दोस्तों अब ज़रूर इस रेसिपी को घर पे एक बार ट्राई कीजिए, और ट्राई करना है स्टीम राइस के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल राकेश किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।